चंद्रपुर शहर के पास दुर्गापुर ओपन कास्ट कोयला खदान कई वर्षों से चल रही है। पहले से ही खदान के कारण पानी, जंगल और बाघों का आवास कम होता जा रहा है। यहाँ वन्यजीव मानव संघर्ष चल रहा है, ये खनन के लिए दिया गया है। ये क्षेत्र में पर्यावरण, जंगल, बाघों और वन्यजीवों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया जाएगा। चंद्रपुर के वन्यजीव संगठन और वन्यजीव प्रेमियों ने हाल ही में एक बैठक की और खदान के विस्तार का विरोध करने के लिए ताड़ुबा बचाव समिति का गठन किया। चूंकि खदान 13 साल पहले बने अडानी कोल ब्लॉक से सटा हुआ है, जो सिनाला गांव के पास है, और खदान के आसपास कम से कम 8 से 10 बाघ और कई वन्यजीव है। इसके लिए 121.58 हेक्टेयर जंगल काटा जाएगा। विस्तार जिसमें कोयले के लिए 13,457 पेड़ और 64,349 बांस शामिल है। अधिकांश मंजूरी वन विभाग, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जब चंद्रपुर में पहले से ही अधिक बिजली पैदा हो रही है और सरकार की हरित ऊर्जा नीति की आवश्यकता नहीं है, तो कोयले के लिए वन, बाघ, वन्य जीवन और ताड़ुबा वन देना उचित नहीं है। चंद्रपुर में सामाजिक और वन जीवन से जुड़े संगठनों ने इलाके में विरोध आंदोलन किया। आज सुबह 8:30 चंद्रपुर में विभिन्न पर्यावरण संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ सिनाला में प्रस्तावित खनन क्षेत्र के विरोध में उतरे। इसके अलावा न्यायिक माध्यम से इस खदान को निरस्तर करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि खदान ताड़ुबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा के पास 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए इस कोयला खदान से चंद्रपुर क्षेत्र के वन जीवनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रपुर के क्षेत्र में मानव वन जीव संघर्ष तेज होने वाला है। इस वर्ष चंद्रपुर जिले में वन जीवों, विशेषकर बाघों द्वारा 52 लोगों की जान ली गई है, लेकिन अगर ये कोयला खदान आ जाती है तो चंद्रपुर जिले में संघर्ष चरम पर पहुंच जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई है कि किसानों और आदिवासियों को जंगल में मार दिया जाए। इस जिले में पहले से ही बाघों ने जंगल खोना शुरू कर दिया है। सरकार इस जिले में 50 बाघों को कहीं और खोने की सोच रही है। नागजीरा अभ्यारण्य में पिछले 1 महीने में 2 बाघ छोड़े जा चुके हैं और जिले के जंगल में कोयला खनन की भी अनुमति दी जा रही है। इसको लेकर जिले के पर्यावरण संगठनों ने स्थिति इख्तियार कर ली है और इसकी खदान की स्वीकृति निरस्त की जाए जो आ रही है, उसका सभी चंद्रपुर जिले के पर्यावरण प्रेमी और बाघ प्रेमियों ने इसका विरोध किया हुआ है। इसके संदर्भ में हमने सन 2015-16 में एक पिटीशन डाली हुई थी, जिस पिटीशन में प्रशासन के जो जवाब है और आज जो प्रशासन जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहा है उसके विपरीत है। इसलिए हम सबों ने निर्णय लिया है कि इसकी लड़ाई आगे तक हम कोर्ट कचहरी, जहां तक हमको जाना पड़ेगा, सब हम लोग मिलकर इस लड़ाई में सहभाग होकर इस एक्सपांशन को रोकने का प्रयास करें। पिछले 10-12 साल से यहाँ की जो दुर्गापुर ओपन कास्ट है वो चल रही है और उससे यहाँ का भूजल प्रभावित हुआ है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ प्रभावित हुई है, यहाँ का पर्यावरण प्रभावित हुआ है। मगर उसके बावजूद अभी सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वन विभाग ने यहाँ के 21.56 जो हेक्टर जंगल है वो इसी खानी के विस्तारीकरण के लिए दिया है। तो हम लोग सभी चंद्रपुर के सभी वन्य जीव प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, वन प्रेमी, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक तो 6-7 टाइगर यहाँ पे ऑलरेडी है, मैन एनिमल कंप्लीट का ये एरिया है और ये कॉरिडोर का भाग है। चंद्रपुर का जो कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर जो है ताड़ोबा का, ये इसमें खान आ रही है और 13,000 के करीब यहाँ के पेड़, बड़े बड़े छोटे पेड़ जा रहे हैं। बाम्बू भी 60,000 के करीब बाम्बू यहाँ के तोड़े जाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा एक विनाश हम कर रहे हैं, जो कि हमें कोयले की आज तो ज़रूरत नहीं है। CTPS के लिए कोयला जा रहा है, CTPS को बाहर से भी कोयला आता है, घुघुस से भी आता है, बाहर से भी आता है। तो ये छोटे से कोयले के लिए, 2 मेट्रिक टन कोयले के लिए समझो कि इतना बड़ा जंगल और वाइल्ड लाइफ का एरिया देना, ये किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिन है और हम लोग चंद्रपुर के नागरिक जो है वो इकट्ठा हुए हैं चंद्रपुर के बाजू का जंगल बचाने के लिए। यहाँ का जो WCL है वो कम से कम 8 से 10 बाघ जहाँ पे है, जहाँ रहते हैं, उसका मकान उजाड़ने की तैयारी कर रहा है। ये जो माइन है यहाँ खड़े हैं, दुर्गापुर डीप और दुर्गापुर एक्सटेंशन, दोनों माइन जो है यहाँ पे आ रही है, उनकी कुल जगह जो है वो 1600 हेक्टेयर है। उसमें से 120 हेक्टेयर ऐसा जंगल है कि बिल्कुल घना जंगल है, वहाँ 810 बाघ रहते हैं। तो ये जंगल कोयले की खदान को देने के बाद में बाघों का मकान जो है अपन उजाड़ रहे हैं। चंद्रपुर जिले में पहले ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा है, पूरे देश में सबसे ऊपर है वो।
इस साल इसी जिले में 53 लोगों को खाया गया है या तो मारा गया है। तो एक तरफ हम यहाँ के जो बाघ जो है बाहर भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई यहाँ बाघों की तादाद ज़्यादा हो गई और जंगल कम हो गया, इसलिए बाघों को बाहर भेज दो। दूसरी तरफ वो जो जंगल है उसको फिर कम कर रहे हैं। तो कहाँ तक चलेगा ये? इसके बाद में 50 बाघ नहीं, 100-100 बाघ हमको बाहर भेजना पड़ेगा। बाघों का मकान अगर हम लोग नहीं बचाते हैं तो गाँव में आएंगे, घरों में घुसेंगे बाघ और लोगों को खा डालेंगे, अगर ये बैलेंस हम लोगों ने नहीं किया तो। इसलिए हम लोग चंद्रपुर के जो नागरिक जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भाई ये जितना भी जंगल है उसको बचाने का प्रयास करें। 120 हेक्टेयर का मतलब बहुत ज़्यादा और घना जंगल है यहाँ पे, उसको बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा आए हैं चंद्रपुर के सारे नागरिक। ताड़ोबा बचाओ समिति हम लोगों ने स्थापन की, अलग अलग सब संगठनों के लोग है, इको प्रो है, ग्रीन प्लैनेट है, पृथ्वी मित्र नेचर संस्था है, सारे के सारे आम नागरिक भी यहाँ पे है। तो हम सब लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक मैसेज आज विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में सरकार को देना चाहते हैं कि आप एक तरफ जंगल लगाने की बात कर रहे हैं, कई करोड़ झाड़ लगाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उससे कई गुना झाड़ जो आप उगाड़ रहे हैं वो ये गलत है, ये नहीं चलने वाला है। हम विरोध करेंगे, इसके आगे भी जाएंगे, आंदोलन करेंगे और कोर्ट तक जाएंगे इस माइन को रुकवाने के लिए। दुर्गापुर कोयला खदान से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।